तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारायण सुरभि राठौर की आज की अपडेट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने सुरभि का रिएक्शन दिखाया था आप लोगों को। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि मोहक एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब तक मोहक का ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं आया था, इसलिए मैंने मोहक की स्टोरीज ज्यादा नहीं दिखाई थी। बट इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मोहक ने भी बहुत सारी स्टोरी शेयर की है, इन किस तरह से वो खुश है, इन किस तरह से उन्होंने सॉन्ग पर रिएक्ट किया है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मोहक ने यहाँ पर स्नैपचैट पर भी सॉन्ग का प्रमोशन किया है, एक स्टोरी डाली है सॉन्ग की। एंड गाइस, यहाँ पर एक अच्छी चीज निकल कर आ रही है कि पीहू ने भी सॉन्ग की स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पर, तो उसको भी मोहक एंड सुरभि ने दोनों ने ही रिएक्ट किया है। उस पर सुरभि का तो समझ आता है, बट मोहक ने उसको रिपोस्ट किया है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी और गुड न्यूज हो सकती है गाइस। नितेश ने भी यहाँ पर सॉन्ग से रिलेटेड स्टोरी डाली है, फाइनली सॉन्ग इज आउट, बेस्ट सॉन्ग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड गाइस देखिए, अब मैं आपको मोहक की स्टोरीज दिखा देती हूँ। मोहक ने यहाँ पर 24 मनन की स्टोरी को रिपोस्ट करते हुए लिखा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड एक हार्ट वाला इमोजी भी बनाया है, जो कि गाइस जिसे कि देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि मोहक ने अपने सॉन्ग पर इस तरह से रिएक्ट किया है, जो कि सोहक का सॉन्ग है गाइज। एंड गाइज, मुझे लगता है कि अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, एंड मुझे लगता है कि जल्दी हमें कोई गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है। एंड अगली स्टोरी मोहक ने खुद शेयर की है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, एंड लिखा है, डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंड यहाँ पर भी एक हार्ट इमोजी बनाया है। एंड गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ। मोहक एंड सुरभि ने दोनों ने ही अपने अपने यूट्यूब के कमेंट की पोस्ट में भी शेयर किया है सॉन्ग का पोस्टर, एंड लिंक भी दिया है वहाँ पर। एंड मोहक ने लिखा है, एंड मोहक ने यहाँ पर लिखा है, अवर न्यू म्यूजिक वीडियो पहला प्यार आउट नाउ, लिंक के साथ लिखा है, शावर अवर सॉन्ग विद ऑल योर लव्स। एंड यहाँ पर ये चीज देखकर गाइज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मोहक ने अवर सॉन्ग लिखा है, गाइज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है यहाँ पर। एंड सुरभि ने भी इसी तरह की कम्युनिटी पोस्ट डाली है अपने यूट्यूब पर, माई न्यू म्यूजिक वीडियो पहला प्यार आउट नाउ। एंड गाइज, मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बार और बोलना चाहती हूँ कि एक बार और आप सॉन्ग अगर देख भी लिया हो तो एक बार और जाकर देखिए, एंड प्यार प्यारे कमेंट्स कीजिए उस पर। एंड अगर बात करें आप सोहक फैन पेजेस की, तो उन्होंने देखिए किस तरह से रिएक्ट किया है। सोहक एक्स हेवन ने लिखा है, पहला प्यार सॉन्ग एक लास्ट होप है, एंड मैंने पूरी रात ये सोचा कि अगर इस पर अपन अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो शायद कुछ हो जाए, तो करोगे ना कमेंट्स, 20K 30K तो आज ही करना है प्लीज, 50K का भी नहीं बोल रही हूँ अभी तो, बट याद रखना लास्ट होप, इसे देखकर शायद फील हो कि कितना प्यार करने वाले लोग हैं उनके साथ। तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर कीनी ना। एंड गाइज, मैंने भी आप लोगों को कल वाली वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि इस सॉन्ग पर अच्छा रिस्पॉन्स की वजह से मोहक एंड सुरभि को पता चले कि उनको साथ में देखने वाले, उनको प्यार करने वाले कितने लोग हैं, जो कि उन्हें साथ देखना चाहते हैं। एंड गाइज, जब इन दोनों को ये रियलाइज होगा तो हो सकता है कि ये साथ में आने की कोशिश करे, या इनके आसपास वाले इनको मिलाने की कोशिश करे। एंड गाइज, यहाँ पर विधि शर्मा ने कमेंट किया है, पीहू दी ने स्टोरी डाली थी आज, वो मोहक भाई ने रिपोस्ट की है, एंड अब ओनली सोहक को पीहू दी ही मिला सकती है, इसलिए पीहू दी को कमेंट करो एंड डीएम करो। तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने यहाँ पर। एंड गाइज, आपको पता है कि पीहू नोएडा में रहती है, एंड सुरभि उनसे मिलने भी जाती है, तो गाइज हो सकता है कि लास्ट होप हमारी पीहू ही हो, क्योंकि गाइज जब मैं कमेंट वाली वीडियो नहीं बनाती थी उससे पहले भी मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि पीहू सुरभि को समझा रही है कि, तो गाइज ये कमेंट मुझे अभी तक याद है, अगर इसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। एंड गाइज, हम तो यहाँ पर यही चाहते हैं कि चाहे कोई भी इन दोनों को मिला दे, हमारे शौक हमें साथ में देखने को फिर से मिल जाए, एंड इसी तरह खुश रहे साथ में, एंड इनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी से दूर हो जाए, चाहे इस सॉन्ग की वजह से हो या और किसी भी वजह से। तो गाइज, इस बारे में आपका क्या सोचना मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, बाय।